नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। मोर्चा आ सरकार बीचक बुध दिनक वार्ता से निष्कर्ष विहीन संपन्न। तराई आ पहाड़क जिला के अलग का प्रदेश के सीमांकन हेरफेर कर के ए माओवादी अध्यक्ष प्रचंडक अनौपचारिक प्रस्ताव के कांग्रेस आ एमाले शीर्ष नेता सब कलक अस्वीकार। आंदोलन के नाम में भारत से गुंडा मंगा कर दुख देने कहे, तराई में सेना परिचालन कर के नेमक किपा का अध्यक्ष बिजु खेर के सुझाव। मोहन वेद नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी घोषित नाकाबंदी विरुद्ध आंदोलन के केलक घोषणा। आ पहले के दाम में नेपाल में चीन से गैस आ ईंधन आन का उपलब्ध कराब के सहमति भ गेल, आपूर्ति मंत्री गणेशमान सिंह के दावी। अ पैलेस ऑफ जेम्स सिल्वर डायमंड गोल्ड एक्सपोर्ट इन ऑर्नामेंट मेकिंग गुड कस्टमर केयर राशि रत्न अर्जुन ज्वेलर्स न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 01422-3789 01422-3903। 2016 साल में सबैभन्दा बढी डीबी पार्न सफल कांतिपुर डिजिटल कलर लैब एंड फ्लेक्स प्रिंट। 2017 साल को डीबी फर्म भरी आफ्नो सीट आज सुरक्षित गर्नुहोस्। साथै कांतिपुर फ्लेक्स प्रिंट पनि, जहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग, कॉफी मग प्रिंटिंग, फाइबर आईडी कार्ड प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग जस्ता धेरै सुविधाहरू। कांतिपुर डिजिटल कलर लैब एंड फ्लेक्स प्रिंट, मेन रोड बर्दीवास, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को तल। Hey, how are you? तेरो बाहिर जाने कुरा के भो? कलेज जानिस? जादिन यार, can't afford. Mom, dad बाहिर पठाउनै खोज्नुहुन्न? International degree त सपना मात्रै होला जस्तो छ। मेरो कलेज जोइन गर्न त। नेपालमै British degree at affordable cost. Really? Yeah, college with 10% credit transfer opportunity. ISMT offers British degrees, BBA, BSc-IT, BHM and BTTM. ISMT, Tinkune, Kathmandu, Nepal. Visit us at ismt.edu.np. सत्तारूढ़ दल आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा बीचक वार्ता बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेलै छ। संसदीय समिति गठन कक विवादित विशेष सम्पन्न करके सत्तारूढ़ दल सबके प्रस्ताव मोर्चा अस्वीकार केला के बाद बुधदिन बेरिया में सिंहदरबार में बैसल वार्ता बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेलै छ। राज्य व्यवस्था समिति के बैसार हल में भेल वार्ता में उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के संयोजक पुष्पकमल दाहाल विवादित सब विषय में सहमति जुटाबे लेल संसदीय समिति या प्रमुख दल के शीर्ष नेता सम्मिलित समिति गठन के लेल केने प्रस्ताव मोर्चा के नेता सब ठारे अस्वीकार केने छे। मोर्चा के नेता सब अपने सब कोनो समिति गठन के पक्ष में नहीं रहलकै। प्रदेश के सीमांकन फेरबदल के संबंध में ठोस प्रस्ताव आना आ चिया खाय के लेल मात्रे वार्ता में नहीं बजाब आग्रह कलन। मोर्चा सब विषय अखने टुंग्याब परत अड़ान लेला के बाद सत्तारूढ़ दल सब सीमांकन फेरबदल के विषय में मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संग छलफल कऽ कऽ प्रस्ताव आना के जवाब देने अछि। असफल भएको छैन वार्ता, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पार्ट पार्ट गरेर समस्या समाधान हुने देखिएन। त्यसो भएर समग्रमा नै प्याकेजमा एकैचोटि गर्ने भन्नेतिर चाहिँ बढी छलफल गएको हुनाले आज के भनियो भने उहाँहरूको 11 बुँदे अथवा उहाँहरूको ठोस जो माग भनेर राख्नु भएको छ त्यो बारेमा सरकारले पनि र प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यसको कन्क्रिट प्रस्ताव बनाउने र चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि अर्को वार्तामा बोलाउने, उहाँहरूले हामी वार्तामा जति बेला पनि आउन तयार छौँ, भोलि भने भोलि, पर्सि भने पर्सि भन्ने स्पिरिटमा उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले वार्ता सकारात्मक दिशामा नै अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र हामी सबैले पनि त्यसरी नै कुरा गरेका छौँ। अर्को मैले अब समग्रमा समाधान गर्नको निम्ति एउटा नयाँ कुरा पनि आज छलफलमा मैले राखेको थिएँ कि अब हामी सबै संसदभित्र छँदैछौँ, त्यहाँ संसदीय समिति बनाएर निश्चित समयभित्र त्यहाँ छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भने त्यतापट्टि पनि सोचौँ। त्यसैबाट यो सीमाङ्कनको विषय, समानुपातिकतासँग सम्बन्धित विषय, निर्वाचन क्षेत्र या नागरिकता सम्बन्धी स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयहरू पनि संसदीय समिति मार्फतै गरौँ, यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। हामी सँगै जाने वातावरण बन्छ, त्यसले कन्फन्टेसनको स्थिति आउँदैन। या प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक समिति बनाएर समग्रमा छलफल गरौँ भने पनि ठिकै छ, यसमा पनि हामी तयार छौँ भनेर राखिएको छ। वार्ताको ढोका हामीले बन्द गरेका छैनौँ,
तर उहाँहरूले ठोस निर्णय सरकारले कहिले गर्छ मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो दिन हामीलाई वार्तामा बोलाउनुहोस्। अब यस्तो चिया खाने बिस्किट खाने गफ गर्ने त बाटोमा भेटे पनि हुन्छ होइन, जता भेटेर गफ गरे पनि भयो, किन बेकारमा टाइम वेस्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र वार्तामा सिरियस, वार्ताप्रति गम्भीर, समस्या समाधानप्रति गम्भीर सरकार पटक्कै देखिएन। मात्रै हो कुनै प्रस्ताव ल्याउनु भएन, कुनै पनि प्रस्तावै आएन उताबाट। मोर्चाकै नेता सब सीमाङ्कनकै फेरबदल सम्बन्धी वार्तामै मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसकै सेहो सहभागी गराब आग्रह कने अछि। बुध दिनक वार्ताकै काङ्ग्रेस नेता सब अनुपस्थित भेलाके बाद मोर्चाकै नेता सब काङ्ग्रेसकै नेता सब सहितकै उपस्थितिमै सहमति खोज परत बताउने अछि। मोर्चा सहमति नै होब धेर आन्दोलन फिर्ता नै लेब सेहो बताउने अछि। मोर्चा करिब 3 महिनासँग केने आन्दोलन आ उएह आन्दोलनकै कारण देखाको भारत केने अघोषित नाकाबन्दीकै नाकाबन्दी सँग दबाई के अभाव भक बिमारी सबके मृत्यु होबक से अवस्था सब आबि रहल छ। तराई पहाड़ के जिला के अलग क प्रदेश के सीमांकन फेरबदल कर के एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्य अनौपचारिक प्रस्ताव के कांग्रेस आ एमाले के शीर्ष नेता सब स्वीकार नहीं सकब बताने अछि। नवलपरासी सब बर्दिया धेर के थारू बहुल क्षेत्र के एकटा प्रदेश बनाब के आ ओ क्षेत्र के पहाड़ी जिला के उपरका प्रदेश में मिलाब के जेहन प्रस्ताव ल क दाहाल सहमति खोज दौड़ समय में कांग्रेस एमाले के नेता सब ओ में असहमति जनौने अछि। कांग्रेस महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला आ एमाले नेता झलनाथ खनाल दाहाल के प्रस्ताव में असहमति जनौने अछि। विशेष क थारू बहुल क्षेत्र के माग संबोधन कर के आ विवादित जिला सबके राजनीतिक समिति मार्फत छलफल से निष्कर्ष में लगाब के धारणा सहित दाहाल मधेसी दल सब संग सेहो छलफल चला रहल अछि। सीमांकन फेरबदल बारे में कांग्रेस आ एमाले के नेता सब तत्काल सीमांकन चलला से आरो समस्या हाथ ओहि दिश तर्क करैत प्राविधिक आ राजनीतिक सुझाव के आधार में निष्कर्ष लगाब उपयुक्त हाथ सुझाव देने अछि। प्रमुख तीन दल सबके दिश से आंदोलनरत दल सब संग वार्ताक लेल बनल अनौपचारिक समिति में रहल एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दाहाल अन्य जेहन सीमांकन फेरबदल करम में सहमत होब नहीं सकब बताने छथि। कांग्रेस महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सेहो दाहाल कहने जका सीमांकन फेरबदल के प्रस्ताव समस्या के हल नहीं हाथ बताने अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी का अध्यक्ष नारायण मान बिजुक से संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के माग सरकार कोनो हालात में पूरा नहीं करत बताने अछि। रफत संसार क्लब बुद्धिन भक्तपुर में केने साक्षात्कार में नेमकिपाक अध्यक्ष बिजुक से मोर्चा के माग देश के विखंडन करत तेहन किसिम के भेला से नाकाबंदी अंत्य कर के नामी सरकार मोर्चा के माग पूरा कर नहीं चाहिए बतौलन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किस दिन पहिने राष्ट्र के नामे केने संबोधन सकारात्मक रहल कहत अपने आराम से दहिना बमा नहीं होब प्रधानमंत्री से आग्रह कलन। नेमकिपाक अध्यक्ष बिजुक से जनता से पराजित जमींदार सब भारत से गुंडा मंगा कर आंदोलन के नाम में मजदूर वर्ग सबके दुख दे रहा है। तराई में सेना परिचालन कर परत सरकार के सुझाव देने छथि। ओ विभिन्न देश में रहल अपन राजदूत मार्फत कूटनीतिज्ञ पहल क दवाई के जोगार कर से सरकार के सुझाव दिलन। मोहनवेद नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी अघोषित नाकाबंदी विरुद्ध आंदोलन के घोषणा कलक। माओवादी के केन्द्रीय सचिवालय के बैसार से अघोषित नाकाबंदी के संगे ईंधन के अभाव महगी कालाबाजारी लगायत राष्ट्रीयता जनतंत्र तथा जनजीविका संबंधी समस्या के लक आंदोलन कर के निर्णय कलक। वैद माओवादी अघन 7 गते बेरिया में भारतीय दूतावास में ज्ञापन पत्र देव के आ 1 बजे से 3 बजे धर 2 घंटा धरना करब बतौने अछि। संगे 9 गते प्रधानमंत्री के कार्यालय में विरोध पत्र देव के सिंह दरबार आगू 1 बजे से 3 बजे धर 2 घंटा धरना देव के आ 11 गते देश के प्रमुख शहर तथा विभिन्न भाग समय विरोध प्रदर्शन करब बताने अछि। पहल चरण के कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद संघर्ष के अन्य कार्यक्रम सबके घोषणा कर वैद नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी जनतब दिलक। वैद माओवादी सच्चा देशभक्त जनवादी आ वामपंथी शक्ति सबके संयुक्त संघर्ष के लिए आह्वान सेहो कने अछि। संगे माओवादी शक्ति सबके बीच में एकीकरण आ ध्रुवीकरण के प्रक्रिया आगू बढ़ाब आवश्यक पहल कर के निर्णय भेल वैद जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। वैद माओवादी आ परी थापा नेतृत्व के नेकपा एकीकृत संघ एकता कला के बाद बनल नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के राष्ट्रीय सम्मेलन के मिति केन्द्रीय सचिवालय के आगामी बैसार में निष्कर्ष लगाए बताने अछि। ए माओवादी अध्यक्ष प्रचंड मधेसी मोर्चा संघ सहमति के प्रयास स्वरूप सीमांकन परिमार्जन के प्रस्ताव अंते मोरंग में एमाले आ कांग्रेस के नेता सब अखंडता के आंदोलन उठाब के प्रयास कलक। मुदा ए माओवादी के विरोध के कारण वो सब योजना अवरुद्ध भेल। एमाले आ कांग्रेस के किछ नेता सब के पहल कदमी में मंगल दिन विराटनगर में 8 दल के सर्वदलीय बैसार बजाओल गेल छल।
ओ बैसारमे विशेष कक एमाले नेता सब मोरङके अखण्ड राखपरत माकरेत संयुक्त वक्तव्य निकालके प्रस्ताव केने छल। मुदा ए माओवादी लगायतके किछु दल सब ओहन वक्तव्यमे हस्ताक्षर नै करब बतौलाके बाद संयुक्त वक्तव्य जारी होबय नै सकल। मोरङमे अखण्डताके नारा दक मधेसी मोर्चा सँग होब लागल सहमतिके भारत चाहने काजमे एमाले के किछु नेता सब लगितो एमाले के किछु नेता वक्तव्यके विपक्षमे ठाड़ भेल छलथि। एमाले नेता गुरु बराल सेहो वक्तव्यबाजीके विपक्षमे ठाड़ भेल स्रोत बतौने अछि। श्रोताक अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड मोरङ या विराटनगरके टुक्रा कक दू नम्बर प्रदेशमे राखक कहने नै अछि। ओ सुनसरीके मधेस बाहुल्य किछु गाविसके दू नम्बर प्रदेशमे मिलाव सकके अनौपचारिक प्रस्ताव केने चर्चा अछि। यद्यपि एहि विषयमे प्रचण्डके औपचारिक प्रस्ताव नै आयल अछि। मोरङ जिला विभाजनके कोनो औपचारिक प्रस्ताव नै आयल अवस्थामे एमाले आ काङ्ग्रेसके नेता सब वातावरणके बिगाड़ लेल अखण्ड मोरङके नारा उठाबत चाहने मुदा ए माओवादी लगायतके दल सबके विरोधके कारण ओ सब सफल नै भेल स्रोत बतौने अछि। एहि बीच आठ दलके संयुक्त वक्तव्य निकाल सफल भेलाके बाद एमाले आ काङ्ग्रेसके विशेष योजनामे बुद्धि नागरिक समाज गठन कयल गेल अछि। ओ नागरिक समाजमे एमाले आ किछु काङ्ग्रेस समर्थित निजी विद्यालयके संचालक प्याप्सन किसान आदिके नेता सब आ किछु स्वतन्त्र नागरिक सब सेहो सहभागी अछि। सरकार आ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीचक निर्णायक हैत कहल गेल वार्ता बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेल। आन्तरिक छलफल के क्रममे एकीकृत माओवादी झापा आ कञ्चनपुरके विवादित राखि सुनसरी आ मोरङके मधेसी बाहुल्य क्षेत्रके दू नम्बर प्रदेशमे राखके प्रस्ताव अन्य समयमे काङ्ग्रेस आ एमालेके किछु नेता सब मधेस आन्दोलन आ मधेसक माँके विवादित बनाब मोरङमे अखण्ड आन्दोलनके शुरूआतके प्रयास केने अछि। जनकपुरक सर्वसाधारणसँ पुछने छलहुँ मोरङमे अचानक कयल जा रहल अखण्ड आन्दोलनके अपने कोन रूपमे लैत छी, अहाँके बात जहिनाके तहिना। चाह रहल छै कि हम जे छै से मधेसी जनता के मांग पूरा करे के पक्ष में छी, लेकिन ओहिया के जनता नहीं मान रहल छै, तै ढंकी नौटंकी कर रहल छै और कोनो बात नहीं छै। फेलुअर सरकार, आठ क्लास पास सरकार, जनता जनता के बीच में विभिन्न बहाना में लड़ावे छै, एकरा सब जनता के संबंध में कोई वास्ता नहीं। लेकिन ओ षड्यंत्र कैला सँ हमसब अहाँके बैक होबै से बात नहि, हमरा सबके जे मांग है ओ लैए के छोड़बै, ताले तक पूरा नहि करतै, हमसब अहाँके की है कि आंदोलन करबै, असशक्त करबै। देखल जा रहल है जे आफै धामी आफै झाँकरी, बुझलिए ने, ऊपर से हम देबौ लेकिन नीचा ई कहके लेल जे विरोध हमर भऽ रहल है तऽ केना होतै, जनता जनता में लड़ाइ तऽ ई षड्यंत्र है। तऽ एते लम्बा आंदोलन अहाँके भऽ गेलै जे षड्यंत्र आब कोनो राज्यपक्षीय षड्यंत्र कामयाब नहि होइके स्थिति में है। विरोध करै छै तऽ राज्य द्वारा संचालित घुसपैठ छै, ओहि घुसपैठ के आंदोलन चिरतै और मधेसी जनता के जे अधिकार प्राप्ति के आंदोलन छै, राज्य कतबो घुसपैठ करा लो, कतबो आंदोलन के बदनाम कराब चाहो तो संहिता मधेसी के खून से लिखल है। अहाँ ओहिठाम के जनता से राय विचार लियो, नहीं कि जनमत संग्रह कराब ओहिठाम, तखन जे छै से जिम्मर रहते जिम्मर रहते। ई एगो खसवादी जे अपना सबके सरकार है ना, ओकर पूरा पूरी षड्यंत्र के नहितो कहके अपन सबके तराई के भूभाग पहाड़ में मिला देके जे हम सब पॉसिबल नै होइ देबै। मोरङ सुसरी के ऊपर में हवा खोलूंगा, हवा जे में मधेसी हवा से मेजोरिटी में मधेसी रहे तो पहाड़ी सब के लिए अथी माइनॉरिटी में रह सकिए, मधेसी जब माइनॉरिटी में रह सकिए, मधेसी माइनॉरिटी में रह सकिए तो पहाड़ी सब कैला नहीं माइनॉरिटी में रह सकिए, ये षड्यंत्र नहीं तो की है। कल अहाँ के राज सत्ता पक्ष द्वारा जो है से सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र करवाल गेल है, मधेस के भूभाग में पहाड़ी के बसा कर ओकरा सबसे पहाड़ी के पहाड़ी और मधेसी के जातीयता फीलिंग कराब के जे षड्यंत्र छै ओहि प्रति हम सब सजग और सचेत छी। रामजानकी आदर्श पुस्तकालय जनकपुर में रक्तदान कार्यक्रम कलक अछि। छठ पावनि के पारण दिन प्रत्येक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना करैत आयल आदर्श पुस्तकालय जनकपुरक रामपुर में केने अछि। रक्तदान कार्यक्रम में कुल 71 गोटे रक्तदान कयलनि। कार्यक्रम में महिला सबक सहभागिता उत्साहप्रद रहल छल। महिला लोकनि रक्तदान करैत बहुत कम उदाहरण होइतो रामजानकी आदर्श पुस्तकालय तथा रामपुर युवा क्लबक संयोजन में भेल कार्यक्रम में 15 गोटे महिला लोकनि रक्तदान केने छलीह। रक्तदान कार्यक्रम राजदेव दासक अध्यक्षता में भेल अछि। उगैत सूर्य के अर्घ्य दऽ कऽ बुध दिन छठि पावनि के समापन कयल गेल अछि। छठि मनायल जाय वला स्थान सब पर बुध के भोर उगैत सूर्य के अर्घ्य दैत छठि पावनि के समापन कयल गेल। जनकपुरक गंगा सागर, धनुसागर, दुर्मती नदी, अर्घत्सा पोखरि, दशरथ तालाब सहित दर्जनों पोखरि पर छठि मनोनिहार के व्रती लोकनि उगैत सूर्य के अर्घ्य देलनि। बुध के भोर उगैत सूर्य के अर्घ्य देला के बाद पोखरि तथा नदी के घाट पर मंगल के भोर सँ जमा कयल पावनि समान घर आनल गेल छल। उगैत सूर्य के अर्घ्य देला के बाद ग्रामीण क्षेत्र सहित जनकपुरक पोखरि तालाब तथा नदी के किनार में
छठ मनाओल चारल स्थान सब पर व्रती महिला लोकन छठ के महिमा संबंधी लोक कथा सुनाब के परंपरा रहा जाय के निरंतरता दिल गए ऐसे पहिने जनकपुर सहित धमसा महतरी सरलाही रोहतर बारापरसा सिरहा सप्तरी मोरंग सहित तराई के अधिकांश जिला सहित काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान पर मंगल के राय छठ मनाब के क्रम में व्रती परिवार के सदस्य लोकन घाट पर मनोरंजनात्मक विविध कार्यक्रम के आयोजना का जागल रह रात बिताने छ पारिवारिक सुख शांति कल्याण रोग से मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होब के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन से शुरू भक छठ पावन के सप्तमी के दिन बुध के भोर धरि चलल छठ पावन मनाब संगे उपवास क सूर्य के उपासना आ पूजा कला पर चर्म रोग नहीं लागत तथा सुख समृद्धि आ संतान प्राप्ति होबक धार्मिक विश्वास रहल काठमांडू में प्रमुख दल आ मधेशी मोर्चा बीच निर्णायक वार्ता के तैयारी भरल समय में मोरंग में जिला नई टुकड़ा में माकरैत आंदोलन शुरू भेल मोरंग हाल प्रदेश नंबर एक में है मुदा तराई मधेश में आंदोलनरत मधेशी मोर्चा झापा मोरंग सुनसरी के प्रदेश नंबर दू में राख के मांग करते आयल प्रमुख दल आ मधेशी मोर्चा के नेता सब बीच तराई मधेश के किस जिला टुकड़ा के सहित विकल्प में छलफल शुरू हुई तो विराटनगर वासी आंदोलन में उतरल वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गणेश मान पुन चीन से नेपाल जते मांग तते ईंधन आन सकत के वातावरण बनल दावी कलन अनौपचारिक चीन भ्रमण में जाकर मंगल के रात स्वदेश घूरल मंत्री पुन तेल आ गैस दुनू चीन से आनल जात जानकारी दलन नेपाल चीन संग ईंधन आपूर्ति के लिए कर लागल व्यापारिक समझौता के पूर्व संध्या में मंत्री पुन गोप्य रूप में हांगकांग होते तो बेजिंग भ्रमण में गेल रहते अपन भ्रमण अनौपचारिक होते तो महत्वपूर्ण रहल ओ बुद्धिन मंत्रालय में पत्रकार सब संग बतौलन मंत्री पुन केरुंग सहित दू नाका के प्रयोग क ईंधन आपूर्ति कैल जा सकत जानकारी दी मूल्य के हक में भारत से अनला से बेसी फरक नहीं पड़त संकेत कलन व्यापारिक समझौता के लेल नेपाल आयल निगम के टोली संभवत बृहस्पतिदिन चीन जबाक मंत्री पुन के कहब छलन व्यापारिक समझौता के बाद 8-10 दिन भीतर तेल आपूर्ति सुचारू हैत ओ बतौलन मंत्री पुन बांग्लादेश से पेट्रोलियम आन के लिए सरकार कूटनीतिज्ञ पहल कर रहा जानकारी दलन नेपाल चीन से एलपीजी गैस से आयात कर के तैयारी केने आ चीन से आब वाला गैस नेपाल में अखन प्रयोग भ रहा से गुणस्तरीय हैत मंत्री पुन दावी कलन मवेशी मोर्चा के कार्यकर्ता सब रूपनदेही में तस्करी के लिए नियंत्रण में लक प्रहरी के बुझौनी रूपनदेही लगायत देशभर संगठित रूप में तेल तस्करी आ कालाबाजारी भ रहा है भारत से अवैध रूप में तस्करी कक अन्य 4200 लीटर तेल मधेशी मोर्चा रूपनदेही के समेरा गावी से अंबा गांव से बुद्धि नियंत्रण में ले रख रूपनदेही में खुलेआम संगठित रूप में तेल के तस्करी या कालाबाजारी होबा लगला के बाद सद्भावना पार्टी वही अवैध तेल आ तस्करी में प्रयोग भेल नाफास कह उसे 44 नंबर के ट्रक के नियंत्रण में लक प्रहरी के बुझौने सद्भावना पार्टी राजेन्द्र महतो केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव गुलजारी जनतब दिलेने वो ट्रक मंगल के रात में हेठौड़ा से रूपनदेही के मर्च बार में तेल लेवा आयल छल कार्यकर्ता सब नियंत्रण में लेने डीजल आ ट्रक भिनसर अपने प्रहरी के बुझौने सद्भावना केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुलजारी बतौलन प्रहरी आवश्यक कार्रवाई के लिए वो ट्रक आ डीजल भैरवा भंसार कार्यालय के जिम्मा लगौने संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता तस्करी के तेल बोकने कहे तो एक ट्रिपर में आगजनी से कने मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता रूपनदेही के कमहरिया गावि स्थित गुरुवनिया में करीब 3000 लीटर डीजल बोकने नातीन ख 6688 नंबर के ट्रिपर में आग लगने रूपनदेही के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता रामेश्वर का की बतौलन गौशाला में कौड़ी खेल रहा 17 जुआरे के प्रहरी पक्काव के लखाई ओकरा सबके संग से 19,94,000 रुपया नगद बरामद कैल गेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू जनौलक विशेष सुराकी के आधार में गेल प्रहरी टोली काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 गौशाला में रहल केशध्वज राणा के घर से जुआ खेल रहा ओकरा सबके पकड़ाव कैल गेल पकड़ाव पड़े वाला समय केशध्वज राणा अभिषेक राणा रूपेश श्रेष्ठ क्षेत्र बहादुर तमांग जोग बहादुर तमांग सोहेल कार्की बद्री धिताल रहा ऐना का विजय थापा मुक्ति लामा अनंत दहाल प्रकाश पंत कृष्ण लामा उमेश थापा निश्चल प्रधान हरि घिमिरे जीत बहादुर नेवार आ प्रदीप छेत्री बोगटी के पकड़ाव केने प्रहरी जनौलक नगद सहित ओकरा सबके संग से रहल 16 थान कौड़ी के गोटी 12 बुंक ताश लगायत बरामद केने भारतीय नाकाबंदी नेपालक जनजीवन अस्त व्यस्त भेल कहित अमेरिका में रहल नेपाली न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघक मुख्य कार्यालय आगू प्रदर्शन केने अछि दू महीना से नाकाबंदी के कारण नेपाल में ईंधन दवाई लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सब अभाव भेल आ नेपाली जनता अत्यंत कठिन परिस्थिति झेलय पड़ल कहित तत्काल नाकाबंदी हटाब मांग कयल गेल अछि भारत नेपाल प्रति केन्द्र जाति
ऊपर विश्व के ध्यान आकृष्ट करवाक उद्देश्य से राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय बाहर प्रदर्शन कैल गए। 11 वर्षीय नेपाली संघ आ राष्ट्रीय समन्वय समिति अमेरिका का अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेल जानकारी दिलन नेपाल में लगाल गए नाकाबंदी तत्काल खुशाब सहयोग कर देवल अपील करते प्रदर्शन कने पौडेल बतालन। 11 वर्षीय नेपाली संघ अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति एनआरएन एनसीसी अमेरिका के विभिन्न राज्य में रहल नेपाली संघ संस्था के आयोजना में कैल गए प्रदर्शन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून के ज्ञापन पत्र से बुझाल गए। ईंधन अभाव के कारण से कम गाड़ी चलला के बाद अस्पताल धर सहज रूप में पहुंच नहीं पाने बीमारी सबके लिए लक्षित कह सरकार बृहस्पति दिन से कर्मचारी बोका वाला बस में निःशुल्क यात्रु सबके सेवा में परिचालन कर वाला काठमांडू उपत्यका के विभिन्न अस्पताल होते 10 गाड़ी चलत जाय में सर्वसाधारण सब निःशुल्क चढ़ा पाओत। सामान्य प्रशासन मंत्री रेखा शर्मा के अनुसार कर्मचारी चढ़ाव वाला बस भिनसर 11 बजे से बेरिया के 3 बजे धर सर्वसाधारण यात्रु सबके चढ़ाओत। कर्मचारी सबके 10 बजे भीतर कार्यालय में पहुंचाला के बाद में वो बस अब सर्वसाधारण यात्रु सबके सेवा में खटत। 3 बजे के बाद सेहो संबंधित कार्यालय के कर्मचारी सबके घर धर पहुंचाओ के नियमित काम में बस प्रयोग हैत। मंत्रालय के प्रवक्ता राजेंद्र पौडेल के अनुसार कर्मचारी ढोब वाला बस सबके ईंधन आपूर्ति सहज नहीं होबे देर सर्वसाधारण यात्रु के सेवा में निःशुल्क परिचालन कर के तैयारी भर रहा है। स्थानीय के मामले उद्योग में बैसकर गैस रोका वाला समूह के हटाकर प्रहरी 10,000 से बेसी सिलेंडर गैस काठमांडू पठौलक। युवा सब के समूह धादिंग में रहल विभिन्न उद्योग में स्थानीय के नामे गैस लेव के आ कालाबाजारी कर दल छल। वो सब काठमांडू से खाली सिलेंडर ल जाकर स्थानीय के नामे गैस भर के आ काठमांडू में आनकर 45 रुपया देर लकब बिक्री करते आयल कालाबाजारी बिक्री कर कालाबाजारी गोरखधंधा चलाने छल। पिछला बेर एचपी सहित के गैस उद्योग में धरना दकर काठमांडू पहुंचाव लागल गाड़ी रोकने छल। वाणिज्य विभाग के टोली जैतो से कालाबाजारी करे वाला युवा सब के समूह अवरोध केने छल। धादिंग के प्रहरी नायब उपरीक्षक के नेतृत्व में आयल टोली धादिंग के सब उद्योग परिसर में रहल सबके हटा कर गैस के सिलेंडर लोड भेल गाड़ी सबके काठमांडू पठौने अछि। भारतीय नाकाबंदी आ ईंधन अभाव के कारण अपन उत्पादन बिक्री नहीं भेला के बाद काभ्रे के किसान सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उपहार पठौने अछि। प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत ओ सब ज्ञापन पत्र आ बिक्री नहीं भेल कृषि उपज प्रधानमंत्री के उपहार में पठौने अछि। किसान संघ काभ्रे के अध्यक्ष प्रेम बहादुर तिमिर सेना के नेतृत्व में गेल टोली सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन कुमार शर्मा के बंदा कोबी मुरई धनिया लगात के तरकारी आ बिगड़ल खुआ हस्तांतरण कैलन। किसान सब तत्काल रासायनिक मोल के पर्याप्त व्यवस्था करा उत्पादन के सहज बिक्री वितरण के व्यवस्था मिलावा आ खेत जोता वाला ट्रैक्टर के लिए तेल उपलब्ध कराव के मांग कैलक। सहायक प्रजय शर्मा देश अखन समस्या भोग रहा कहते किसान के समस्या समाधान कर ले अपने जते हैत तते मदद करब बतौलन। नेपालक वर्तमान अवस्था प्रति जापान सरकार चिंतित भेल अछि। ईंधन अभाव के कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र में काज कर रहल सरकारी तथा गैर सरकारी प्रभावकारी काज कर नहीं सकल कहे चिंता व्यक्त कने अछि। नेपालक ई समस्या ग्रस्त परिस्थिति के संबंधित निकाय शांतिपूर्ण रूप में आपसी समझदारी के संग समस्या समाधान करवाक में विश्वस्त रहल अछि। नेपाल स्थित जापानी दूतावास जारी केने विज्ञप्ति में भूकंप पहुंचने क्षति के पुनर्निर्माण में लगातार सक्रिय सहयोग करवाक उल्लेख कयल गेल अछि। भारतक अघोषित नाकाबंदी के कारण काठमांडू में देखल गैस के समस्या सीमावर्ती शहर सब में सेहो हाहाकार भेल अछि। नेपाल आयल निगम जमुनाहा नाका से गेल बुलेट में से 75 बुलेट काठमांडू पठौला के बाद नेपालगंज वासी गैस के अभाव भोग पड़ रहा अछि। जमुनाहा नाका से अक्टूबर महीना में सामान्य अवस्था के तुलना में आधा कम अर्थात 1,141 मेट्रिक टन गैस पहुंचल छल। नेपाल आयल निगम काठमांडू के हाहाकार कम कर कहित अधिकांश बुलेट काठमांडू पठौला के बाद नेपालगंज के उपभोक्ता सब अभाव सह बाध्य भेल अछि। गैस के लेल विक्रेता ओत गेल उपभोक्ता सब खाली हाथ घूरल अछि। नेपालगंज क्षेत्र में 4 गैस उद्योग अछि। ओ उद्योग अभाव कम करब कहित उपभोक्ता सब के काठमांडू उपत्यका में जका आधा सिलेंडर गैस वितरण कर शुरू केने अछि। नेपाल आयल निगम जमुनाहा नाका से आयल में से 75% बुलेट काठमांडू पठौला से चरम अभाव नहीं हो कहि कऽ आधा सिलेंडर गैस बाट लागल गैस उद्योगी सबक कहब अछि। गैस विक्रेता सब कालाबाजारी करे के लेल आधा सिलेंडर गैस बांटल गेल बतौलन अछि। नेपाल आयल निगम स्वयं कालाबाजारी के अवस्था सृजना कने विक्रेता सबक आरोप रहल अछि। निगम उद्योगी सबके आधा सिलेंडर गैस बेच लगाकर बाकी गैस के कालाबाजारी कने विक्रेता सबक आरोप अछि।
ग्यास विक्रेता महासंघ बाँकेकी अध्यक्ष दिव्य देव उप्रेती नियम विभिन्न गैर सरकारी संस्था आ सहकारी मार्फत ग्यास के कालाबाजारी कर रहा बतालन। नेपाल आयल निगम नेपालगंज क्षेत्र के चारटा गैस उद्योग के लिए मासिक 2140 मेट्रिक टन कोटा तोक्ने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के घोषित नाकाबंदी के कारण नेपाल ईंधन के संकट भोग पड़ल कहित सरकार नेपाल आवे वाला विदेशी पाहुन सबके ईंधन के अभाव होब नहीं देत बतौलन। वातावरण मैत्री दिगो यातायात मंच के बुद्धिन काठमांडू में शुरू भेल 19वां अंतर सरकारी एशिया क्षेत्र स्तरीय गोष्ठी के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली नेपाल आवे वाला विदेशी पाहुन सबके आवाजाही के लिए सरकार ईंधन के अभाव होब नहीं देत बतौलन। ओ नेपाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संविधान जारी केने असंतुष्टि स्वरूप भारत नाकाबंदी लगला से ईंधन के अभाव देश भर के जनजीवन प्रभावित हो तो सरकार विदेशी पाहुन सबके कहुना का ईंधन उपलब्ध कराओ बतौलन। Everybody knows that we are in fuel crisis. But I would like to assure you, when you are in Kathmandu, there will be no fuel crisis for you. We will manage that. Honorable ministers participating in this program, first of all, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली संविधानसारी होते राजनीतिक समस्या समाधान भेला से नेपाल आब आर्थिक विकास के काम में केन्द्रित हाथ कर सहयोग कर विदेशी प्रतिनिधि संघ आग्रह कलन। ओ हरेक हिसाब से नेपाल लगानी के लिए सुरक्षित रह से हो बतौलन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग राष्ट्र संघीय क्षेत्रीय विकास केन्द्र आ जापान के वातावरण मंत्रालय के आयोजना में शुरू भेल गोष्ठी में विभिन्न देश आ अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रतिनिधि सहभागी। वातावरण मैत्री दिगो यातायात के विषय में केन्द्रित गोष्ठी 4 दिन धरि चलत। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कांत अर्याल साइन बोर्ड के भर पर मात्र महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय काज कर नहीं सकत बतौलन। महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय अपन 10वां दिवस के अवसर में बुद्ध दिन अपने परिसर में कैने कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल अपराध की प्रवृत्ति या संख्या बढ़ रहा अवस्था में महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय के अधिकार विहीन अवस्था में राख नहीं चाहिए बतौलन। वो साइन बोर्ड के राखल नाम अनुसार काज करवाक लेल कानूनी अधिकार सेहो आवश्यक भेल कहित महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय के अधिकार देवदेर देरी भर चुकल विषय में गंभीर होगा गृह मंत्रालय से आग्रह कलन। महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय अंतर्गत 3टा परिसर त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल गार्ड 42टा ट्रैफिक इकाई 18टा प्रहरी वृत्त 42टा प्रभाग लगात के निकाय है। मुदा अधिकार के अभाव में कार्यालय वही निकाय के सहयोगी के भूमिका में मात्र सीमित भेल है। प्रहरी महानिरीक्षक कार्यालय प्रहरी के सेवा के प्रभावकारी बनाब प्रहरी परिवर्तन कर पड़त सेहो बतौलन। ओ 62 वर्ष पहिने स्थापना भेल प्रहरी संगठन के समय सापेक्ष बनाब प्रहरी एन परिमार्जन परिवर्तन कर पड़त अन्यथा संविधान के मौलिक हक सब कार्यान्वयन कराब सेहो समस्या हाथ बतौलन। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकाल देश लंबा समय से संक्रमण काल से गुजर रहा के कारण महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय के अधिकार देव के संधि कानून तर्जुमे होब नहीं सकल बतौलन। कार्यक्रम में महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय उत्कृष्ट काज कने कहित अपने माथत के 18टा वृत्त में से गौशाला प्रहरी वृत्त के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरेन्द्र मेनाली के पुरस्कृत कने छल। कृषि के आधुनिकीकरण कर सहयोग पहुंच के उद्देश्य से मोरंग के विद्यार्थी सब आलू रोप वाला यंत्र के निर्माण कलक। मोरंग के हाथीमुड़ा स्थित मनमोहन स्मृति पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी सब कृषि संबंधी नया उपकरण बनाव के सोच के संग आलू रोप वाला यंत्र बनौने यंत्र निर्माण में सहभागी विद्यार्थी सुजन बाबू सेंचुरी जानकारी दिलन। सेंचुरी के अनुसार वो यंत्र छोट समय में बहुते आलू रोप सकत। कॉलेज के मैकेनिकल समूह के 5वां बैच के विद्यार्थी ऐसा आगू हवा से चल वाला ऑटो रिक्शा बनाकर सफल परीक्षण सेहो कने छलथ। मनमोहन स्मृति पॉलिटेक्निकल के प्रसारे सुभाष पोखरेल के अनुसार विद्यार्थी सब बनौने नया सामग्री कैंपस में प्रयोग में आनल गेल मुदा समाज में उपयोग कर नहीं सकल जा सकत बतौलन। विभिन्न बैच के विद्यार्थी सब मिनी एक्सकावेटर मिनी केबल कार हाइड्रोलिक प्रेस हवा के चाप से चल वाला ऑटो रिक्शा लगायत उपकरण बना चुकल प्रसारे पोखरेल के कहबे छ। भारत के घोषित नाकाबंदी से ईंधन के चरम हाहाकार भेला से पर्यटक के नगरी पोखरा के होटल सब बंद होब के अवस्था में पहुंचल है। व्यवसायी सब खाना पकावे वाला एलपीजी गैस आ ईंधन के अभाव से पर्यटक सब की सेवा देव नहीं सक के तथा लगानी डूब के अवस्था उत्पन्न भेल बतौने है। व्यवसायी सब के अनुसार पोखरा के पर्यटन क्षेत्र में करीब 1 खरब रुपया लगानी भेल है। पोखरा के होटल सब संग दैनिक 15,000 पर्यटक के सेवा देव सक के क्षमता है। मुदा ईंधन के चरम संकट से मुख्य सीजन में पर्यटक सबके घुराव पड़ रहा व्यवसायी सबके कहबे।
पश्चिमांचल होटल संघ के अनुसार पोखरा के होटल में करीब 40,000 गोटे प्रत्यक्ष रोजगारी पौने में ईंधन के हाहाकारी से रोजगारी छिना के अवस्था उत्पन्न रेवान के महासचिव लक्ष्मण बराल किछ होटल सब गैस आ ईंधन ब्लैक में किनकर आ जारन के प्रयोग कर सेवा संचालन करते अखन के अवस्था में बहुते समय देर नहीं चल सकत बतौलन। वो अखन के अवस्था किस समय कायम रह होटल सब बंद कर पर बाध्य है बतौने। पोखरा के पर्यटन क्षेत्र से बीतल वर्ष हुदहुदी के सामना कर पड़ल। हुदहुदी के भूकंप आवे के बाद नाकाबंदी से केला के कारण से व्यवसायी सब के पैघ नुकसानी सह पड़ल छल। पैराग्लाइडिंग अल्ट्रालाइट जीप फ्लेयर बंजी जंपिंग लगायत के साहसी खेल के लिए मजा लेब फेवाताल बेगनासताल डेफिट फॉल महेंद्र गुफा सेती नदी सरांगकोट मसापुसे बौद्ध स्तूप लगायत के दृश्य अवलोकन कर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सब पोखरा पहुंचे छल। उप प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री टो बहादुर रायमाझी सरकार मधेशवादी दल के मांग संबोधन कर के विकल्प नहीं रहल बतौने। नेपाल चेतना केन्द्र बुद्धिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री रायमाझी मधेशवादी दल के मांग संबोधन के लिए सरकार लचकता देखा पड़त बतौलन। वो भारत के अघोषित नाकाबंदी के कारण देखल गेल ईंधन के हाहाकार अंत्य के लिए राजनीतिक आ कूटनीतिज्ञ पहल के निरंतरता देव पड़त सेहो बतौलन। वो नेपाल के मांग अनुसार के ईंधन के आपूर्ति के लिए तत्काल के लिए भारत के विकल्प नहीं रहला से सरकार के मधेश आंदोलन आ नाकाबंदी अंत्य के लिए लाग पड़त सेहो बतौलन। उप प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री रायमाझी भारत के अघोषित नाकाबंदी से पाठ सीख विद्युत के उत्पादन के तीव्रता देव ऊर्जा मंत्रालय के जल्दी अल्पकालीन मध्यकालीन आ दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक कर के तैयारी करब सेहो बतौलन। कार्यक्रम में स्थानीय स्रोत परिचालन कक ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने कहत बाल सेवा समाज खोटांग के अध्यक्ष दीप नारायण डिजाल के नगद 25,000 रुपया सहित पुरस्कृत कयल गेल छल। नेकपा माओवादीक महासचिव राम बहादुर थापा राजनीतिक दल सब ध्रुवीकृत भेला के कारण परिणाम से भारत नेपाल ऊपर अघोषित नाकाबंदी लगाब साहस केने बतौलन। फाल्गु नंद फिल्म्स बुद्धिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में माओवादीक महासचिव थापा राष्ट्रीय एकता आ स्वाभिमान के विषय में राजनीतिक दल सब एकजुट नहीं भेला से फायदा उठाकर भारत अघोषित नाकाबंदी लगौने बतौलन। वो देश के आंतरिक मामला में विदेशी के सहभागी कराला से कुन हद धर के नुकसानी हाथ से बात भारतीय नाकाबंदी से देखल गेल बतौलन। माओवादी के महासचिव थापा राष्ट्रीयता के सवाल में युवा पुस्ता के एकजुट बनाब सकल गेल त भविष्य में कोनो देश नेपाल ऊपर नजर लगाब नहीं सकत कहत युवा सब में राष्ट्रीय भावना जगाब गीतकार तथा गायक गायिका सब के देशभक्ति के गीत के बेसी प्राथमिकता देव पड़त बतौलन। हामीलाई यस्ता नागरिकहरू चाहिएको छ, हामीलाई यस्ता युवा युवतीहरू चाहिएको छ जसले यो भारतको नाकाबन्दीलाई उसको यो हस्तक्षेपलाई उसको यो उत्पीडनलाई चाहिँ उनीहरूले अन्त्य गर्न सकोस्। उनीहरूमा यस्तो उसले उत्तेजना यस्तो प्रेरणा चाहिँ हाम्रा गीतहरूले हाम्रा चलचित्रहरूले चाहिँ पैदा गर्न सक्नुपर्छ जसले हाम्रो देशको विकास गर्न सकोस्। त्यो देशको विकास त्यस बेला मात्रै हुन्छ जब देश स्वतन्त्र हुन्छ स्वाधीन हुन्छ। माओवादी महासचिव थापा सरकार मधेसी थारू मगर लगायत के समुदाय के मांग संबोधन करा परत में सेहो जोड़ दिलन। कार्यक्रम में फाल्गुनन फिल्म्स गीतकार जानू कांगबांग के सम्मान केने छल। पेरिस आक्रमण में संलग्न संदिग्ध सबके निशाना बनबैत प्रहरी बुद्धिन उत्तरी इलाका सेंट डेनिस के एक फ्लैट में छापा मारलक। बहुत बड़का मानल गेल ई पुलिस ऑपरेशन करीब 9 घंटा धरि चलल छल। एहि क्रम में बहुते विस्फोटक आ गोलाबारी समेत सेहो भेल छल। ई ऑपरेशन में 2 गोटे के मृत्यु भेल छ जाहि में से एक महिला अपने आप के विस्फोट करने छली। प्रहरी ऑपरेशन में तेसर व्यक्ति सेहो मारल गेल बताओल जा रहल छ मुदा ओहि के पुष्टि होबय नहीं सकल छ। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार प्रहरी 5 गोटे के गिरफ्तार सेहो कयलक छ। पेरिस प्रहरी प्रमुख के कार्यालय जारी सूचना अनुसार प्रहरी ऑपरेशन के क्रम में एक संदिग्ध महिला अपने आप के आत्मघाती बेल्ट में विस्फोट करने छली। फ्रांस के बीएफएम टीवी के अनुसार वो महिला पेरिस आक्रमण के योजनाकार मानल गेल अब्दुल्लाह मीन अबाउद के परिवारजन छली। ई ऑपरेशन के क्रम में 4 प्रहरी घायल सेहो भेल छ। गोली लागि एक प्रहरी के कुकुर सेहो मारल गेल छ। शुक्र दिन पेरिस में आत्मघाती विस्फोट आ अंधाधुंध गोली प्रहार में पेड़ के 129 गोटे के मृत्यु भेल छल। ई घटना के योजनाकार मानल गेल अबाउद फार आक्रमणकारी सलाह अब्दे सलाम के निशाना बनाकर प्रहरी बुद्धिन भिन्सारे ऑपरेशन शुरू केने छल। विश्व क्रिकेट लीग चैंपियनशिप में नेपाल पपुआ न्यूगिनी संग दोसर खेल में सेहो पराजित भेल छ। बुद्धिन भेल खेल में नेपाल 3 विकेट से पराजित भेल छ। नेपाल प्रस्तुत केने 22
नेपाल प्रस्तुत केने गुसे 25 रनक लक्ष्य पपुआ निगिनी दुबल दैत्यमे पूरा केने छल। ऐसा आगु यूएई के अबुधाबी में टॉस जीतकर बैटिंग केने नेपाल 50 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 224 रन बनौलक। नेपाल के शुरुआत खराबे रहल। ऑस्ट्रेलियाली तीव्र गति के बॉलर मिशेल जॉनसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टेस्ट स्वरूप से संन्यास के घोषणा कैलन। न्यूजीलैंड विरुद्ध दोसर टेस्ट मैच के चारिम दिन जॉनसन संन्यास के घोषणा कैलन। दोसर टेस्ट मैच में 157 रन दकर मात्र 1 विकेट लेब सकला के बाद जॉनसन एकाएक संन्यास के मनसाह बनबैत घोषणा कैलन। 34 वर्षीय जॉनसन 73 टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के लिए 311 विकेट लेलन जे आंकड़ा शेन वार्न ग्लेन मैकग्राथ आ डेनिस लिलिक बाद के उत्कृष्ट है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के इतिहास में स्ट्राइकर बॉलर के रूप में जॉनसन सबसे सफल बॉलर के नाम से चिन्ह जाए छे। अंत में हेडलाइंस फेर से मोर्चा सरकार बीच बुद्ध दिनक वार्ता से निष्कर्ष बीन संपन्न। तराई पहाड़क जिला के अलग प्रदेश के सीमांकन हेरफेर करके माओवादी अध्यक्ष प्रसन्न के अनौपचारिक प्रस्ताव के कांग्रेस एमाले के शीर्ष नेता सब केलक अस्वीकार। आंदोलन के मामले भारत से गुंडा मांगा कर दुख देने कहे तराई में सेना परिचालन करके नेमकपाक अध्यक्ष बिजुक छे के सुझाव। मोहनदेव नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी घोषित नाकाबंदी विरुद्ध आंदोलन के केलक घोषणा। आ पहले के दामे नेपाल में चीन से गैस आ ईंधन आइन का उपलब्ध कराबे के सहमति भ गेल आपूर्ति मंत्री गणेश मान पुन के दावी। अपनी सखन के लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।